हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउटनेट की क्लास में। तो भाई हम पढ़ रहे हैं आपका क्वाड्रिलेटरल, और उसमें क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और उस पर बेस्ड ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। अब हम सोच रहे हैं सर लेक्चर नंबर 2 में आप क्या करने वाले हो। तो बेसिकली भाई अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ ली है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं वो क्वेश्चंस आपको मैं करवाने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे जरूरी चीज ये कि इन क्वेश्चन में आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को अप्लाई करेंगे, और अलग अलग तरीके से क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी पार्ट्स गिवन होंगे उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, पूरे लेक्चर को ध्यान तक देखना है। और अगर अभी तक आपने डाउटनेट के सीबीएसई 910 वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन पर प्रेस कर दें, सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर दें, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, चैप्टर प्रोग्रेस पर नजर मारे। तो क्या क्या टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले, आई थिंक आपको मालूम पड़ चुका है। प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया था कि भाई एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री होता है, सबको मालूम है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने काइड पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, रोमबस पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, ट्रेपेजियम भी पढ़ा था, जी हाँ। तो ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देन अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हमने डिस्कस की थी, एक बार क्विक रिवाइज करवाऊंगा, एंड द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को हम इस लेक्चर के बाद एक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं हुए हैं ज्यादा, वो करना जरूरी है, क्लियर है बच्चों। चलिए तो ये बच्चों आज के क्लास का टॉपिक, तो आई नो सबको मालूम पड़ गया है, तो जरूर से क्लास को लाइक जरूर से कर देना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। भाई न्यू ईयर आया था, सभी अच्छे कह रहे थे सर न्यू ईयर का गिफ्ट क्या होगा, न्यू ईयर का गिफ्ट क्या हो गया। तो बच्चों लीजिए, आपके लिए लेकर के आ गया हूं मैं आपके लिए न्यू ईयर का एक बेहतरीन गिफ्ट। जी हाँ, आपको डाउटनेट के किसी भी रिविजन कोर्सेस पर मिलने वाला है 50% का ऑफ, जिसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि कूपन को डाउटनेट ऐप पर जाना है कोर्स को परचेस करने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ जाएंगे, या फिर अगर आप डाउटनेट ऐप पर क्लासेस देखते हैं तो वहां पर भी आपको जाकर के कोर्स खरीदने के लिए आप वहां पर जिस भी कोर्स को खरीदना चाहेंगे वहां पर NY50 कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं, और इजिली आप 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और इससे बढ़िया ऑफर, इससे बेहतरीन गिफ्ट आपको न्यू ईयर का मिल ही नहीं सकता बच्चों। तो आज ही जाइएगा डाउटनेट के, जो भी वीआईपी कोर्स आप लेना चाहते हैं, रिवीजन कोर्सेज लेना चाहते हैं, जरूर से लें, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब बात करते हैं अपने लेक्चर पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की बच्चों अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी। देखो जब भी पैरेललोग्राम नाम दिख जाए ना तुमको, पैरेललोग्राम तुरंत माइंड में 3 बत्ती जलनी चाहिए। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल साइड जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तुरंत ये 3 चीजें तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए। क्या क्या बच्चों? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तुरंत पैरेललोग्राम देखा माइंड में 3 बत्ती 1 2 3 स्टार्ट हो जानी चाहिए, ये 30 दिमाग में आपके चलते रहनी चाहिए। तो ये तो हुआ जब पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है, तब तो आप ये 3 चीजें तुरंत उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर बोल पाएंगे। अब उसके बाद आता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, किसी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कब बोलेंगे, तो यानी कि इसका कन्वर्स भी मालूम होना हमको जरूरी है। तो कन्वर्स में बच्चों अगर हम बात करें तो ये बोलेंगे कि भाई अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो क्या है, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल है तो क्या है, वो पैरेललोग्राम। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या बच्चों, पैरेललोग्राम। और इसके अलावा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है जिसके बेस पर हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं वो ये है बच्चों कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, किसी क्वाड्रिलेटरल की कोई भी एक साइड का पेयर, अपोजिट साइड्स का पेयर कोई दिख रहा है आपको, वो अगर पैरेलल है और इक्वल है, अगर ये 2 चीजें आपको एक साथ मिल जाए तो समझ लेना वो क्वाड्रिलेटरल क्या है आपके पास, पैरेललोग्राम है। तो ये बेसिकली बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम होती है, क्लियर है, कोई डाउट यहां पर, सिंपल है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों ये तो प्रॉपर्टीज थे, अब इंपॉर्टेंट है कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये लेक्चर अगर तुमने पूरा देख लिया ना अच्छे से एंड तक, तो कोई भी दिक्कत यहां पर रहने वाली नहीं है, ये बात लिख करके दे रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों, बाद में लिख दूंगा, ठीक है। चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, छोटी सी क्विज के साथ में स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट लेंगे। नॉलेज टेस्ट में करना कुछ नहीं है, परेशान मत हो, बिल्कुल 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 परेशान नहीं होना है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर लिख करके बताना है, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट आप करोगे इस क्लास में, मैं कह रहा हूं गारंटी से, आप उतना बेहतर सीखोगे। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लिखो तुम। जब तुम एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो डेफिनेटली तुम ज्यादा बेहतर तरीके से सीखोगे। कहा गया है कि किसी भी काम को एक्टिवनेस के साथ, जोश के साथ करते हैं तो उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है और काम करने में मजा भी आता है। तो ये चीज आपको यहां पर मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्विज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, द डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, ओके, एंड इफ एंगल DAC इक्वल टू 32 डिग्री एंड एंगल AOB इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड द एंगल DBC, DBC एंगल आपको बताना है। अब यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम भी अप्लाई होंगी, लेकिन एक छोटा सा आइडिया आपको दे रहा हूं। एक पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करना है, ABCD उसकी साइड्स के मतलब वर्टिसेस को आपको नेमिंग करनी है, फिर आप इस क्वेश्चन में डायगोनल ड्रॉ करिए और देखिए कि जो पूछा गया है वो क्या आएगा। ठीक है, जो गिवन है वो भी लिखना, जो पूछा गया है फिर फाइंड करो, इजीली निकाल लोगे। जल्दी से बच्चों सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि आप लोग कर लोगे, क्योंकि भाई आप लोग होशियार हो नजर आता है। मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़े हैं, देखा है आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो डेफिनेटली आप करके आओगे। जल्दी से बच्चों करके दिखाइए। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। मेरी क्लास का रूल है, क्लास में आए हो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करो भाई, एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है आपका। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों, जल्दी 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 सारे बच्चे आंसर करिए, क्योंकि अब मैं टाइम अप होने वाला है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। हो गया बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और वो भी सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाओ, दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों देख रहे हो, तो क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट एट ओ, वाओ नाइस, इफ एंगल बीओसी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बीडीसी इक्वल टू 50 डिग्री, देन फाइंड द एंगल ओएबी, ओएबी एंगल आपको फाइंड करना है। वापस से क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन पैरेललोग्राम ड्रॉ करना मत भूलना, जो भी नेमिंग करनी है नेमिंग अच्छे से कर लो, आंसर बताइए एंगल ओएबी क्या होगा। जल्दी से बच्चों बताइए क्या आंसर आने वाला है, एक्टिव पार्टिसिपेशन बार बार बोलूंगा भाई, सभी बच्चे आंसर करके बताइए, यूं ही क्लास देख करके नहीं जाना है, लाइक तो करके जाना ही जाना है, लेकिन आंसर करके बताइए, जल्दी से आंसर करके बताइए। चलो भाई कोई बात नहीं, जितने बच्चों ने आंसर कर लिया, अब मैं आपको बताता हूं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जी हां, प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व होगा, प्रॉपर्टीज से ही सॉल्व होगा और कुछ नहीं चाहिए। आइए देखते बच्चों, सबसे पहले अगर हम यहां पर बोले डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो मैंने आपको बोला कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको करना क्या है कि एक पैरेललोग्राम आप ड्रॉ कर लो, क्या बुराई है भाई, एक सुंदर सा पैरेललोग्राम हमने ए बी सी डी बना लिया, रफ डायग्राम भी हमारे लिए पूरा काम करता है। ए को हमने सी से मिला दिया, बी को हमने डी से मिला दिया, जो डायगोनल्स है सपोज करिए पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में दे रहा है बच्चों कि एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी हमारे पास 32 डिग्री दे दिया है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी हमारे पास 70 डिग्री गिवन है, आपको फाइंड करना है बच्चों एंगल डी बी सी। वेरी गुड बच्चों, हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, एंगल आपका डी बी सी, डी बी सी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात कि आपको यह मालूम है कि अगर ये वाला एंगल आपके पास 32 डिग्री है, ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल आपके पास 32 डिग्री है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि पहली बात तो आप ये देख पाओगे कि ये वाला एंगल कितना होगा, बताइए जल्दी से, अगर ये 70 है बच्चों तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर डायगोनल एसी में बनने वाले एक एंगल एओबी है, तो बताइए सीओबी क्या होगा, ये 70 तो ये वाला 110 डिग्री हो गया, क्लियर है। अब अगर ये 32 डिग्री है बच्चों तो डेफिनेटली आपको पैरेललोग्राम नजर आ रहा है यहां पर, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, वाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, एंगल आपका डीएसी जो होगा, नोट करिएगा, एंगल आपका जो डीएसी होगा वो इक्वल टू होगा एंगल एसीबी के, वाई, रीजन बताइए इसके पीछे का क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ बच्चों कि अगर एंगल मैं बोल रहा हूं कि डीएसी एसीबी के इक्वल है तो वाई, ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्या है इसके पीछे का रीजन, जल्दी से बच्चों बताइए, बिल्कुल सही जवाब, जी हां, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे एंगल बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये 32 तो ये वाला एंगल भी आपका 32, तो अब आपके पास ट्राइंगल बीओसी नजर आ गया है, जिसमें अगर आप देखो तो एक एंगल 110 डिग्री है, एक एंगल 32 डिग्री है, दूसरा एंगल हम बात करें तो आपके पास ओबीसी है, प्लस में एंगल ओबीसी इक्वल टू 180, सॉल्व कर लो बच्चों, तो एंगल ओबीसी आपके पास आ जाएगा कितना, 180
और इसको माइनस कर दो यहां पर, तो यहां पर आया 2, 3 + 1, 4, 142, तो आई थिंक कितना आ गया बच्चों, 38 आ गया हमारे पास, कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया हमारे पास 38 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 38 डिग्री इज द राइट आंसर, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइए आया आंसर के लिए आया, क्या आया बच्चों 38 डिग्री इसका आंसर होगा, क्लियर है सबको, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, मैंने जो बताया वही से ही आपने किया था या कुछ और भी किया था, ऐसे ही किया था, बहुत ही सिंपल है भाई, बिल्कुल आसान सा तरीका, ये एंगल 32 डिग्री तो ये एंगल 32 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके ये एंगल 70 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल 110 डिग्री, 32 110 ऐड कर दो ये थर्ड एंगल के इक्वल, और ये कितना आ गया 38 डिग्री, आंसर को सिलेक्ट कर दिया है, बता दिया सबने आंसर, बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, दोबारा से बना लो, कभी भी फिगर ड्रॉ करने में कभी नहीं शर्माना है, जिंदगी में जो शर्माया कुछ नहीं कर पाया, आ जाओ बच्चों, तो एबीसीडी इंटरसेक्ट, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट ओ पर, कहां पर करते हैं भाई, ओ पर करते हैं, ठीक है, इफ एंगल बीओसी, वाओ बीओसी इज 90 डिग्री, वेरी गुड बच्चों, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, एंगल बीओसी समझिएगा बच्चों, बीओसी 90 तो इसका अपोजिट 90, ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90, क्या बात है, तो अब आपको बताना है, देन एंगल ओएबी, आपको बताना कौन सा बच्चों एंगल ओएबी क्या होगा, पहली बात तो अब ये क्या है, एबीसीडी हमारे पास क्या होगा, अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्या है हमारे पास, एक आपका रोम्बस है, यहां तक तो ये चीज समझ में आती है, इसके अलावा एक एंगल और गिवन है, एंगल बीडीसी, एंगल बीडीसी, बीडीसी कौन सा एंगल होगा, बीडीसी, सॉरी बीडीसी, तो ये वाला एंगल आपके पास 50 डिग्री गिवन है, कितना गिवन है बच्चों 50 डिग्री, तो आप मुझे बताइए, देन एंगल ओएबी, आपको एंगल ओएबी बताना, बहुत बढ़िया, ये 90 ये 50, तो बताओ ये वाला एंगल कितना, 90 प्लस 50 140, तो ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री, ये एंगल 140 डिग्री, बताना क्या है ओएबी, वाओ नाइस, ये भी हमारा 40 डिग्री, मुझे एक भी जगह पर फिगर के अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, फिगर के अलावा मैं कहीं गया ही नहीं, आंसर आ गया 40 डिग्री, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया भाई, जल्दी से मुझे बताइए आंसर 40 डिग्री होगा, जल्दी से बता दो भाई, नहीं जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड नाइस, बहुत बढ़िया, 40 डिग्री इसका राइट आंसर है, हाँ जी आ गया ना पक्का समझ में, बढ़िया दिख रहे हो तुम लोग, सब नजर आ रहा है मुझे, बहुत बढ़िया, चलिए 40 डिग्री इसका राइट आंसर है, ठीक है पक्का कंफर्म ना, क्योंकि 90 90 90, ये भी 90 होगा डेफिनेटली, ये वाला एंगल 50 है, तो ये वाला एंगल आपके पास 90 + 50 = 140, तो थर्ड एंगल आपके पास 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो इसका अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगेन दिस एंगल इज 40 डिग्री, तो ये 40, तो ये 40, आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया, तो एक बार लाइक ठोक देना है क्लास को, बहुत ही नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बच्चों हम, जैसे कि मैंने बोला कि प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करने हैं, इसको हम समझते हैं, क्लियर है, चलिए एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भाई एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, व्हिच इन व्हिच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, पी क्या है भाई एबी का मिड पॉइंट है, क्यू क्या है बच्चों आपके पास सीडी का मिड पॉइंट है, तो P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड AB एंड CD, ओके बहुत ही बढ़िया, इफ AQ इंटरसेक्ट DP, अगर AQ क्या करता है DP को, समझिएगा AQ इंटरसेक्ट DP, ओके वेरी नाइस, एट S, S पॉइंट पर, एंड BQ इंटरसेक्ट CP, BQ वेरी नाइस, BQ 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 B B B B B B Q, ये वाला हो गया BQ इंटरसेक्ट CP, CP को R पर इंटरसेक्ट करता, सो दैट APCQ is a parallelogram, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या बोलोगे, कभी मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, अरे यार बहुत ही आसान है ना, अंदर से बोलते रहना एकदम आसान है, उसके बाद करते हैं देखा जाएगा फिर क्या है, देखो सबसे पहले जो करना है उसको देखो हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे कि हमें करना है यहां पर APCQ का पैरेललोग्राम, पहला पार्ट APCQ इज अ पैरेललोग्राम, बेटा अगर तुम क्लास को देख रहे हो ना, ये मान के चलो कि तुम मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो, तुमको इतना तगड़ा यहां पर समझा दूंगा ना कि दोबारा कभी ये चीज भूले कि नहीं, क्वेश्चन अपने आप को नया क्वेश्चन भी आ गया ना, दिमाग लगाओगे तुम, लॉजिक लगाओगे, और लॉजिक इज इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स में कुछ रटना नहीं है, लॉजिक लगाना है, तो बेटा एपीसीक्यू की बात कर रहा है, तो एपी ये हो गया, सी ऊपर गया, क्यू यहां पर गया, ऐसे आ गया, बहुत ही बढ़िया,
इसको पैरेललोग्राम हमें शो करना है, क्या करना है बेटा, इसको हमें पैरेललोग्राम आपका शो करना है। आइए बच्चों, तो अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले आपको एक चीज मालूम है कि भाई जो ए बी है ना, हमारे पास गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कि भाई ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा, सबसे पहली बात जो ए बी होगा वो सी डी के पैरेलल होगा, होगा कि नहीं, बहुत ही बढ़िया। एंड साथ ही साथ जो ए बी होगा वो सी डी के इक्वल भी होगा। चलो अगर ए बी सी डी के इक्वल है, नोट करिएगा, ए बी अगर सी डी के इक्वल है, अगर मैं ए बी और सी डी का हाफ कर दूं, मतलब कि दिस विल इंप्लाइज दैट 1/2 ए बी जो होगा वो इक्वल टू होगा 1/2 सी डी के। क्लियर है बेटा, 1/2 ए बी 1/2 सी डी के इक्वल होगा। ए बी का हाफ, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डेफिनेटली ए बी का हाफ ए पी हो जाएगा, मतलब कि जो ए पी होगा बच्चों, और सी डी का हाफ अगर हम देखें, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो सी डी का आपका हाफ होगा क्यू सी, तो ए पी आपका क्यू सी के इक्वल आ जाएगा। और आप एक चीज नोट करो कि भाई ए बी है, ए बी का ही पार्ट ए पी है और सी डी का ही पार्ट क्यू सी है, तो इस तरीके से एपी और सीक्यू है ना, एपी और सीक्यू भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब कि एपी आपका सीक्यू के पैरेलल होगा। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में उसके अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल है और पैरेलल है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि क्वाड्रिलेटरल एपी सीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। क्या होगा बेटा, पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ कि नहीं प्रूफ हुआ, जल्दी से बताइए मुझे। पहला पार्ट प्रूफ हो गया, एपी सीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, क्या बात है, क्लियर है। अब कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एपी सीक्यू को आपने पैरेललोग्राम दिखा लिया, तो यहां से हम एक आगे के लिए इन फ्यूचर करस्पॉन्डेंस हम यहां पर एक चीज नोट कर लेंगे कि भाई जो एक्यू होगा ना वो पीसी के पैरेलल होगा, डेफिनेटली जो एक्यू होगा वो आपका पीसी के पैरेलल होगा और एक्यू आपका पीसी के इक्वल भी होगा। ये इन फ्यूचर यूज के लिए हम रख लेते हैं, आगे पर ये काम में आएगा, ठीक है। एक्यू पीसी के पैरेलल होगा और एक्यू पीसी के इक्वल होगा। सेकेंड पार्ट पे आते बच्चों क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है हमसे, आ जाइए। चलो सेकेंड पार्ट में हाईलाइटर हमने लिया आपका डिफरेंट, DPBQ is a parallelogram. क्या बेटा, DPBQ is a parallelogram. अब देखिए DPBQ कौन सा है, ये बन रहा है इसको, ठीक है बेटा। अब मुझे लगता है कि ये वाला तो आप खुद बोल सकते हो, ये वाला तो खुद ही बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, मुझे बताइए। अगर पहला पार्ट समझ में आया है तो दूसरे पार्ट का आंसर तो खुद भी बोल सकते हो क्या होगा, क्या DPBQ is a parallelogram. बिल्कुल सही, जैसा पहले किया बिल्कुल वही करना है कि भाई आपको मालूम है कि ए बी और सी डी इक्वल है और ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी का हाफ कर दो, तो ए बी का हाफ हम पी बी लिख सकते हैं और सी डी का हाफ हम डी क्यू लिख सकते हैं, तो डी क्यू पी बी के इक्वल होगा। ऑब्वियस है, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है और डी क्यू और पी बी इसके पार्ट है, तो डेफिनेटली डी क्यू और पी बी भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो अगेन डी क्यू पैरेलल टू पी बी एंड डी क्यू इक्वल टू पी बी, तो आंसर क्या आ जाएगा कि भाई डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो आई होप आप सेकेंड वाले का आंसर खुद लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, सेकेंड वाले का आंसर आप खुद लिख सकते हैं, प्रूव एज प्रीवियसली, प्रूव एज प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस पार्ट, जैसे आपने प्रीवियस पार्ट में किया था, प्रूव एज प्रीवियस पार्ट बच्चों, तो हम यहां पर क्या बोल पाएंगे, आपका DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है गाइस, जल्दी से बताइए, DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, बिल्कुल जैसे पहला वाला पार्ट था वैसे ही दूसरा। और जब DPBQ को मैं पैरेललोग्राम बोलूंगा तो मैं थोड़ा सा समझदार आदमी हूं, हमें मालूम है कि भाई कोई भी काम करो ना उससे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, उससे क्या क्या चीजें फायदे हो सकते हैं, सब कुछ निकाल लो, हो सकता है कि कल दूसरे चीज की यूज पड़ जाए, ठीक है। तो आप जान गए कि DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, तो आप बोल पाओगे कि जो DP है वो QB के इक्वल होगा, जो DP है आपका वो इक्वल टू QB होगा, एंड साथ ही साथ DP आपका QB के पैरेलल भी होगा। ये हमने और फ्यूचर करस्पोंडेंस के लिए नोट कर लिया, क्लियर है। तो दूसरा पार्ट भी आप पहले की तरह कर तो लिए, अब हम बात करेंगे आपका थर्ड पार्ट पर।
तो बच्चों आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में मैंने डिफरेंट हाइलाइटर ले लेना है, जैसे कि मान लो ये ले लिया, पी एस क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। किसको बेटा? पी एस क्यू आर को पैरेललोग्राम हमें प्रूफ करना है। पी एस क्यू आर बीच में जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको, इसको बेटा, ये वाले को, ये जो बीच में बैठा हुआ है, छुप करके बैठा होता है ना, जो छुप करके बैठता है बाद में उसी का नंबर आता है। चलिए आ जाइए, है ना। चलो तो ये हमारे पास, हमें प्रूफ करना है बच्चों थर्ड वाला पर। थर्ड वाले पर हम देखो क्या करेंगे, हमें एक प्रूफ क्या करना है बच्चों, कि भाई सबसे पहली बात आपको मालूम है कि डीपी इज पैरेलल टू क्यूबी। डीपी जो आपके पास है वो क्यूबी के पैरेलल है, ठीक है बेटा। अब आप देखिए डीपी क्यूबी के पैरेलल है, डीपी का ही तो पार्ट आपका एसपी है, तो डीपी का एक पार्ट हुआ एसपी, और क्यूबी का ही तो पार्ट, क्यूबी का ही तो पार्ट आपका क्यूआर है, तो इसका पार्ट हो गया आपके पास क्यूआर। तो बताइए बच्चों ये भी तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तो एसपी इज पैरेलल टू क्यूआर, बहुत ही शानदार। दूसरा देखिए, आपने निकाला था कि भाई जो एक्यू है ना वो पीसी के पैरेलल है। कौन सा बेटा? जो आपका एक्यू है वो पीसी के पैरेलल है। अब देखिएगा एक्यू का ही तो पार्ट आपके पास है पीएसक्यू, तो एसक्यू आपका पैरेलल होगा पीसी का ही पार्ट। देखिएगा पीसी का ही अगर हम पार्ट देखें तो पीसी का ही पार्ट पीआर है बच्चों, तो पीसी का ही पार्ट पीआर, तो एसक्यू पैरेलल टू पीआर। अब आप मुझे बताइए कि भाई अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो यहां से हम क्या बोल पाते हैं? यहां से हम बोल पाते हैं कि भाई जो आपका क्वाड्रिलेटरल पी एस क्यू आर है इज अ पैरेललोग्राम। क्या होगा बेटा? पैरेललोग्राम होगा, बहुत ही शानदार। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से नोट करिए, बताइए जल्दी से बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? डीपी का ही पार्ट एसपी है, क्यूबी का ही पार्ट क्यूआर है, तो डीपी पैरेलल टू क्यूबी है, तो डीपी का पार्ट एसपी क्यूआर के पैरेलल होगा। एक्यू का ही पार्ट एसक्यू है, पीसी का ही पार्ट पीआर है, तो एक्यू और पीसी पैरेलल है, तो एसक्यू और पीआर भी पैरेलल होंगे। और ये अगर पैरेलल है तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम दिस विल बी अ पैरेललोग्राम। क्लियर बच्चों? तो पीएसक्यूआर क्या होगा आपका? एक पैरेललोग्राम होगा। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है बेटा, इससे सिंपल मैनर में कोई नहीं बता सकता तुमको, ठीक है। चलिए नोट कर लो, जल्दी से बताओ। ओके गाइस, समझ में आ गया है तो जल्दी से, जो भी बच्चे पहली बार क्लास को देख रहे हैं ना, लाइक जरूर से कर देना। पहली बार क्लास में आओ तो बार बार क्लास में आओगे, ये गारंटी है, तो पूरी क्लास को देख करके जाना, बहुत ही शानदार बच्चों। आई होप सबको क्लियर है, वेरी गुड गाइस। चलिए आगे पर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू। अरे वाह, जो डी पी है ना बच्चों ये आपका बी क्यू के इक्वल है। ओके नाइस, कोई बात नहीं, ठीक है। ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है, नाइस, ये भी अच्छी बात है। ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई। तो अब अगर हम यहां पर बोले तो सबसे पहले प्रूफ करिए कि एपीडी कॉन्ग्रुएंस होगा, एपीडी कॉन्ग्रुएंस होगा सी क्यू बी के। सोचो भाई, सोचो, सोचो भाई, सोचो, सोचो भैया, सोचो, सोचो भैया, सोचो, बताओ क्या आंसर आएगा, कैसे करोगे? दिमाग लगाओ, दिमाग, दिमाग की बत्ती जला दे, मिंटॉस नहीं खाना है, डॉक्टर की क्लास देखना है तुम्हें, आ जाओ। तो भाई इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए ना भाई। देखिए एपीडी को सीक्यूबी के, पहली बात एबीसीडी पैरेललोग्राम है, मैंने बोल दिया था कि कभी भी तुमको पैरेललोग्राम मिल जाए ना तो उसको बोल देना पैरेललोग्राम आई लव यू। क्या बोलोगे? पैरेललोग्राम आई लव यू। क्यों? क्योंकि वो आपकी बहुत फिक्र करता है, समझ रहे हो? तो आ जाइए, एबीसीडी हमारा पैरेललोग्राम है, तो एबीसीडी पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास अपोजिट साइड होंगी, जैसे कि आपके पास बीसी जो होगा वो आपका एडी के इक्वल होगा, पक्का बीसी आपका एडी के इक्वल होगा, क्लियर है। दूसरा अगर हम यहां पर बोले तो क्या देखोगे, अगर आप यहां पर नोट करिए तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। समझ में आया? पूछिए क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल डी,
ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसको लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल समझ में आ गया ना, उसके लिए क्वाड्रिलेटरल तो हवा की तरह बात करेगा, वो एकदम चुटकियों समझ में आएगा। ठीक है, अब हम पहले पार्ट पे आ जाते हैं बच्चों। पहला पार्ट आपसे बोल रहा है ट्रायंगल एपीडी को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। हमने एपीडी ले लिया एंड दूसरा ट्रायंगल आपके पास सीक्यूबी ले लिया। अगर आप यहां पर देखिए बच्चों तो क्या नजर पा रहे हो कि भाई यहां पर जो एपी है ना आपका, नोट करिएगा पहली बात, जो हमारे पास आई थिंक ठीक है, यहां पर अगर आप देखो बच्चों तो सबसे पहली बात BQ नजर आ रहा है और यहां पर PD नजर आ रहा है। बढ़िया, ये जो PD है ना बच्चों, ये आपका BQ के हमारे QB के इक्वल है, PD आपका QB के इक्वल है। ये क्या बच्चों, गिवन है, ये तो हमको गिवन है। बहुत बढ़िया, उसके अलावा अगर आप देखो तो जो हमारे पास AD है ना बच्चों, जो AD है वो नोट करिएगा एपीडी है ना, रुक जाना यहां पर एडी, हाँ तो एडी जो आपके पास है वो सीबी के इक्वल है। बहुत बढ़िया, एडी आपका सीबी के इक्वल है ना। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम लिख दो यहां पर, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो एंगल क्यूबीसी है, मतलब कि अगर मैं बात करूं एंगल पीडीए की, एंगल पीडीए इक्वल टू है हमारे पास एंगल आपके पास क्यूबीसी के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए अब आप देख सकते हो कि दो साइड उनके बीच में आने वाला एंगल, ठीक है बच्चों, दो साइड उनके बीच में आने वाला एंगल, दो ट्रायंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है और उन ट्रायंगल्स के बीच में आने वाला एंगल अगर इक्वल है तो आप क्या बोलोगे बच्चों यहां पर, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या बोलोगे बेटा, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हम क्या बोलेंगे बच्चों कि जो ट्रायंगल आपके पास एपीडी है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल आपके सीक्यूबी के, एपीडी आपका सीक्यूबी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपीडी आपका सीक्यूबी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू आपका सीक्यूबी। चलिए, एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीक्यूबी, तो यहां से हमको ये निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू सीक्यूबी, एपीडी आपका सीक्यूबी के कॉन्ग्रुएंट आएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो, पहला पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हमें मालूम है कि बाई सीपीसीटी, क्योंकि हमें मालूम है कि जो चीज प्रूफ किया उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि वो कुछ और तुम्हें बता के जाएगा। तो एपीडी सीक्यूबी के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से तुम क्या बोलोगे कि भाई जो तुम्हारा एपी है ना बच्चों, जो तुम्हारा एपी है वो आपका सीक्यू के इक्वल होगा, एपी हमारा सीक्यू के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो मतलब कि एपी वाला पार्ट नोट करिएगा, एपी वाली साइड सीक्यू के हमारे इक्वल होगी, एपी इक्वल टू सीक्यू। क्लियर है बेटा, एपी क्या होगा आपका, सीक्यू के इक्वल होगा, एपी इक्वल टू सीक्यू, एपी इक्वल टू सीक्यू। चलिए, ये पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों, आगे समझ में। और कुछ बच रहा है यहां पर, और भी कोई चीज जो देखनी हो यहां पर, आई थिंक इतना ही काम बन जाए, जरूरत पड़ेगी तो और निकाल लेंगे नेक्स्ट में बच्चों। आ जाइए, ये हमारे पास ही हो गया एपी इक्वल टू सीक्यू, अरे वाह, बाई सीपीसीटी हमने लिख दिया और बाद में जाकर के देखा तो सेकेंड पार्ट में यही प्रूफ करवा रहा था, तो हम बोल सकते हैं सेकेंड वाला पार्ट आपका प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, सेकेंड आपका प्रूव हो गया, क्लियर है, सीपीसीटी से ही लिख दिया। उसके बाद अगर हम यहां पर देखें बच्चों, तीसरे पार्ट पर मूव करते हैं, ट्राइंगल आपके पास ए क्यू बी है, कौन सा बेटा, ए क्यू बी, ट्राइंगल ले लो बेटा, ट्राइंगल ले लिया ए क्यू बी ले लिया, एंड दूसरा ट्राइंगल आपने ले लिया सीपीडी, दूसरा ट्राइंगल ले लिया सीपीडी। मैं बता रहा हूं कई बार तुम भूल जाओगे, तुम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हो, तुम्हें लगेगा सर ट्राइंगल ही पढ़ रहे हैं क्या, ट्राइंगल वापस से आ गया क्या, टर्म टू में वापस से ट्राइंगल, हम बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, जो सीबीएसई वाले हैं ना उन्होंने कुछ दिमाग लगाया था, उन्होंने बोला कि भाई पूरा सिलेबस तो हम दे नहीं सकते टर्म वन में, तो एक काम करते हैं टर्म वन में इतना पार्ट दे दो कि टर्म टू का करने के लिए टर्म वन का पूरा पार्ट रिवाइज करना पड़ जाए, तो वही चीज हो गई, एक तरीके से पूरा एनुअल बन रहा है तुम्हारा। तो AQB एंड CPD तुम्हारा दो ट्राइंगल ले लिया। अब आ जाओ यहां पर, तुमको मालूम है कि भाई पहली बार जो AB है
वो CD के इक्वल होगी, AB इक्वल टू तुम्हारा CD होगा, क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, लिखते चलना यहां पर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर है बेटा? अब उसके बाद अगर हम यहां पर देखें, जैसे कि हमने इधर पर देखा, जो एंगल ABQ बनेगा, जो एंगल आपका ABQ बनेगा, ये वाला एंगल जो होगा बच्चों, ये वाला एंगल आपके इस वाले एंगल के ABQ के करस्पॉन्ड में क्या बनेगा, देखिएगा, ABQ CDP के बराबर, किसके बराबर बनेगा? CDP। तो हमारे पास ये बनेगा आपके पास CDP के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए, हमको ये तो मालूम ही है कि जो BQ है वो PD के बराबर है, जो मतलब QB है आपका वो PD के इक्वल है, तो अगेन हम बोल सकते हैं बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, क्या बोलेंगे बेटा? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से कि जो ट्रायंगल आपके पास AQB है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल आपके CPD के, क्लियर है बेटा? AQB आपका कॉन्ग्रुएंट होगा CPD के, और जैसे ही AQB CPD के कॉन्ग्रुएंट आया तो यहां पर आप बोल पाओगे बाई CPCT, क्या बोल पाओगे बच्चों? कि भाई जो AQ है ना वो PC के बराबर होगा, क्या? जो AQ है हमारा वो CP के बराबर होगा, ये भी लिख लिया। चलिए तो यहां से आपका थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया बच्चों, और AQ इक्वल टू CP, ये हमारा फोर्थ पार्ट भी इसका प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों? तो थर्ड से ही फोर्थ प्रूफ हो गया, फोर्थ प्रूफ्ड, देख रहा, एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, एक तीर से हम दो शिकार कर रहे हैं, तो फोर्थ वाला भी प्रूफ हो गया। अब आपको बोल रहा है फिफ्थ पार्ट में कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम, तो अगर आप देखिए फिफ्थ पार्ट पर आ जाइए कि सिंस, नोट करिएगा बच्चों, सिंस पहले पार्ट से AP इक्वल टू CQ, ओके, और फ्रॉम फोर्थ पार्ट AQ इक्वल टू आपके पास CP, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि सिंस अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इंप्लाइज दैट द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम, क्या होगा बेटा? पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? पैरेललोग्राम हो जाएगा, पक्का? क्लियर है, समझ में आ गया? एक दो तीन चार पांच, सारे के सारे पार्ट उड़ गए, बच्चे डर जाते हैं इस चीज को देख करके, अरे सर पांच पार्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया सर, लॉन्ग में आया था, अरे भाई लॉन्ग कुछ नहीं है, केवल दो पार्ट करने हैं, एक पार्ट आपका ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, सेकंड इससे आ गया, फोर्थ इससे आ गया, दोनों का यूज करके फिफ्थ आ गया, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं दम, है ना, क्वेश्चन में एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ इतना सा करना था और आपको आंसर आ गया, क्लियर बेटा? तो बिल्कुल स्ट्रक्चर बाय स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलो, तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी, नहीं मिले ना तो मेरे पास भेज देना, मतलब कॉपी भेज देना, मैं बात करूंगा बोर्ड में, ठीक है? चलिए चलिए, आ जाओ, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? पक्का? ओके, लाइक बटन पर प्रेस किया है ना, नहीं किया ना यार, कर दिया करो भाई, कितनी बार बोलूंगा, कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मान जाओ बहुत फायदा होगा इस चैनल से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई, आ जाओ। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, जैसे ही मैं देखता हूं ना, मैं बोलता हूं कि पैरेललोग्राम आई लव यू, क्योंकि हमें बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ सिखाता है और हमारी मदद करता है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एंड एपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर्स, ओके, फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी, सो दैट एपीबी, ट्रायंगल आपका एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीक्यूडी, एंड सेकंड पार्ट एपी इक्वल टू सीक्यू। चलिए सबसे पहली बात आपको यह मालूम होनी चाहिए कि भाई हमें पहले पार्ट में यह प्रूफ करना है कि APB ट्रायंगल आपका APB, देखो डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, APB एंड दूसरा ट्रायंगल आपके पास है यहां पर CQD, देखना बच्चों APB कौन सा है, यहां पर हाईलाइट कर दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, APB ये ट्रायंगल है, ठीक है बेटा,
ये एपीबी है, ओके। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम यहां पर ऐसे, सी क्यू डी, यही है ना, सी क्यू डी, ये गया, ये ऐसे इसके दूर से निकाल देते हैं ताकि मिक्स ना हो। चलिए ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल पर देखो, और कुछ गिवन है क्या? कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम गिवन है। और बोल रहा है कि भाई एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस एसी ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी। चलिए सबसे पहले बच्चों अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करिए तो एक चीज आप देख पा रहे हैं कि जो एंगल हमारा बी होगा वो पहली बात तो डी के इक्वल होगा, पक्का बी हमारा डी के इक्वल। छोड़ो यहां भी छोड़ो, सीधे सीधे समझते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म तुम्हारा। देखो अगर तुम यहां पर राइट एंगल देखो तो तुम्हारा यहां पर एंगल पी क्या है, राइट एंगल है, ठीक है बच्चा। तो दोनों हम देख सकते हैं कि एंगल पी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, एंगल सी क्यू डी, ये दोनों ही तुम्हारे क्या है बच्चों, राइट एंगल है, ये दोनों ही तुम्हारे क्या है बच्चों, राइट एंगल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंगल राइट एंगल हो गया, इक्वल टू 90 डिग्री। चलना अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो बच्चों तो एक चीज आप देख पा रहे होगे कि पहली बात, वैसे दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं, एक तरीका और भी इसका मुझे समझ में आ रहा है। पहले तो एक चीज, आरएचएस यहां पर अप्लाई हो सकता है क्या? आरएचएस क्या यहां पर अप्लाई हो सकता है? आरएचएस अप्लाई तब तक नहीं हो सकता जब तक हम डीपी और बीक्यू को बराबर ना दिखा दें। तो डीपी और बीक्यू क्या हम बराबर दिखा सकते हैं? तो एक बार ट्राइंगल डीएपी ले लें और एक बार ये ले लें, तो इनमें अगर आप देखें इधर भी ये भी प्रॉब्लम करेगा, तो आई थिंक हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। चलिए ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये हमें मालूम है, ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट में अगर आप देखो ओके, उसके बाद अगर आप देखो ये वाला एंगल जो है हमारे पास वो इस एंगल के इक्वल है, क्लियर है बच्चों? ये एंगल पी एंगल बी के हमारे इक्वल है, ठीक है, एंगल पी एंगल बी के इक्वल है। उसके अलावा अगर आप यहां पर देखिए तो और कुछ नजर आ रहा है क्या? आई थिंक यहां पर कुछ और हो सकता है, मुझे लग रहा है कि अगर हम ये दिखा पाए कि ये वाली जो साइड है डी क्यू आपका पी बी के इक्वल होगा, तो डी क्यू पी बी के इक्वल यहां पर हमें तो अभी नजर नहीं आ रही, अभी ये चीज नजर। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लो, शायद कुछ और क्लू मिल जाए कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ओके, एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन द डायगोनल्स, ठीक है। तो एक चीज आपको यहां पर मालूम है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूं क्या, कि भाई एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या कर देता है बच्चों, डिवाइड करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। यहां पर कंडीशन समझते हैं बच्चों, इस चीज की यहां पर नीड पड़ने वाली है, इसको आप डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी छुपी है उसको निकालना है, वो ये है बच्चों कि सबसे पहली बात आप अगर इस पूरे पाठ में देखिए कि भाई आपका पैरेललोग्राम एबीसीडी है, ठीक है बच्चों, ठीक है, और हम देख सकते हैं एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है। मुझे लग रहा था कुछ और क्लू मिलेगा, लेकिन आई थिंक हमें वैसे ही जाना है इसमें। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है बच्चों, अगर आप यहां पर नोट करेंगे सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि जो बीडी है वो क्या है, डायगोनल है, बीडी इज अ डायगोनल, ठीक है बच्चों, बीडी इज अ डायगोनल। तो आप मुझे बताइए जो ट्राइंगल आपका एबीडी होगा, जो ट्राइंगल एबीडी होगा ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एबीडी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर हम बात करें एबीडी कॉन्ग्रुएंट होगा आपके डीसीबी के, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, डीसीबी के कॉन्ग्रुएंट होगा। व्हाई, कोई मुझे बता सकता है? सिंपल सी बात कि ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ही, एक तरीके से कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना, पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। कैसे होता है ये भी आप देख सकते हो, सिंपल सी बात कि भाई सीडी इक्वल टू एबी होगा आपका, एडी इक्वल टू बीसी होगा, ये चीज समझ में आ गई। उसके अलावा ये जो बीच वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो डेफिनेटली ये अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो इसका मतलब क्या, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्लियर है बच्चों। तो ये बेसिकली हमारे पास
ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से ये चीज निकल के आती है बच्चों कि भाई एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। क्या करता है बेटा? दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या कर देता है बेटा? डिवाइड कर देता है। अब जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इसने डिवाइड कर दिया तो नेक्स्ट में समझिएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है, ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो भी इक्वल होता है। जी हाँ बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका एबीडी इक्वल टू होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी के। तो एबीडी का एरिया डीसीबी के एरिया के इक्वल। और बताइए एबीडी ट्राइंगल का एरिया क्या लिखोगे तुम? तुम लिखोगे 1/2, बेस तुमने बीडी ले लिया बच्चों, और हाइट तुम ले सकते हो यहां पर क्या एपी ले सकते हो बच्चों, ठीक है बढ़िया। और एरिया ऑफ डीसीबी में भी तुमने बेस ले लिया आपका 1/2, बीडी ही बेस ले लिया, हाइट यहां पर तुमने सीक्यू ले लिया। अब देखना 1/2 BD, 1/2 BD दोनों में कॉमन कैंसिल आउट, इंप्लाइज दैट जो एपी होगा वो सीक्यू के इक्वल होगा। मतलब कि अगर आप देखिए तो यहां पर क्या निकल के आया कि जो एपी है ये जो परपेंडिकुलर से ये इक्वल है, एपी आपका सीक्यू के इक्वल आ गया। अब जैसे ही एपी सीक्यू के इक्वल आ जाता है अब तुम्हें जो मर्जी वो प्रूफ करवा लो हमसे। क्या प्रूफ करवाना था? ट्राइंगल तुमको एपीबी को दिखाना था कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्राइंगल तुमको सीक्यूडी के। तो क्या करोगे बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा कि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है कि उनका एरिया आपका इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू सीक्यूडी, यहां से अगर आप एंड में सीक्यूडी देखिएगा बच्चों, सबसे पहली बात आपको मालूम है कि भाई दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है और आपके मालूम है कि सीडी इक्वल टू, जो सीडी है बच्चों वो आपका ए, सॉरी उल्टा लिख दिया यहां पर मैंने, उल्टा लिख दिया, क्या होगा जो एबी है बच्चों, एबी जो है वो हमारे पास सीडी के इक्वल है। ठीक है बच्चों, और दूसरा आप देख सकते हैं जो एपी है वो सीक्यू के बराबर है, एपी जो है आपका वो सीक्यू के बराबर है। अब बेसिकली दोनों ही ट्राइंगल है कैसे, एपी भी आपके पास क्या राइट एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी क्या बच्चों, ये भी राइट एंगल है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल के अगर एक हाइपोटेनस इक्वल है और हाइपोटेनस के अलावा कोई भी एक साइड अगर उस राइट एंगल ट्राइंगल की इक्वल हो गई बच्चों, तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि जो ट्राइंगल आपका एपीबी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा सीक्यूडी के। नोट कर लो भाई, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से, ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से मिटाता है। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल के, दो राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अगर इक्वल है और उसके अलावा कोई एक साइड उनकी इक्वल है तो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास ट्राइंगल सीक्यूडी, नोट कर लीजिए बच्चों, एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूडी। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, और जैसे ही फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ तो आप सेकेंड पार्ट भी देख पा रहे हैं कि एपी इक्वल टू सीक्यू भी हमने प्रूफ कर दिया। मतलब कि यानी कि आपने यहां पर ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज करके एपी इक्वल टू सीक्यू क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट प्रूफ कर दिया, और उसके बाद भी आपने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया, यानी कि मैंने एक तीर से दो शिकार कर दिए। सिर्फ इतना बताया बच्चों आपको कि भाई पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो एबीडी कॉन्ग्रुएंट होगा डीसीबी के। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है आपका, इक्वल होता है। तो इनका एरिया इक्वल, तो एपी इक्वल टू सीक्यू हो गया, और एपी इक्वल टू सीक्यू आ गया। अब आपने जाकर के इन ट्राइंगल्स को बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताइए। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये जो मैंने आपको डिस्कस किया है ये बाकी तरीकों से जो आपने सॉल्व किया होगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं ना तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताइए। नोट कर लीजिए पहले अपने पार्ट को। चलिए बच्चों, क्लियर है, आगे समझ में, बहुत ही बढ़िया, यही तो चाहिए था भाई, यही तो आपके अंदर चाहिए कि भाई इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और डेफिनेटली कॉन्सेप्ट निकाल के लाएं। चलो भाई, इसी तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, इस क्वेश्चन को अब आपको होमवर्क के फॉर्म पर दे रहा हूं, ट्राई करना है।
ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को होमवर्क के फॉर्म पर दे रहा हूं, ट्राई करके लेकर के आना है, ठीक है बच्चों, होमवर्क के फॉर्म पर दे रहा हूं, ओके, करके लाओगे, होमवर्क के फॉर्म पर दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को जरूर से करके लाइएगा और ट्राई जरूर से करिएगा। यहां पर एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है आपके पास और फिगर मैंने बोल दिया कि भाई इसमें हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, एबी को हमने आगे तक बढ़ाया, फिर हमने एडी के पैरेलल एक लाइन सीई ड्रॉ करी जो कि एक्सटेंडेड एबी को ई पर कट करती है, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये सारे के सारे पार्ट प्रूफ करने हैं, करके रहिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, करके लाना, अगली क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, करके लाएंगे बहुत ही अच्छा। चलिए भाई तो अब बात करते हैं बच्चों क्विज की, तो सारे बच्चे क्विज के लिए रेडी हो जाइए, और क्विज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, फाइंड द ईच साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस की साइड बतानी है बच्चों, रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, चुटकियों में सॉल्व करिए, मुझे जल्दी से आंसर बताइए, और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर मुझे लिख करके आना चाहिए भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, एक्टिव पार्टिसिपेशन मेरी क्लास में जरूरी है, रूल नंबर वन है और रूल नंबर लास्ट भी है कि क्लास में रहो, एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर करो, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन में हमारी समझ ग्रो करती है। चलिए क्या आंसर आएगा बच्चों, चलिए बच्चों तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, तो सारे बच्चे रेडी हैं, चलिए तो आई थिंक सबने आंसर कर लिया, वेरी गुड। आइए तो भाई सिंपल सी बात है, रोम्बस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बच्चों आपसे, रोम्बस की, तो रोम्बस के आपको मालूम है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी से कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स आपके परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब कि अगर एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर का है तो अगर हम ये बोले तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो मान लो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये 8 हो गया बच्चों, ये भी 8 हो गया, आपको एडी फाइंड करना, ये आपका हाइपोटेनस होगा, तो एडी का स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर, मतलब कि आपका 100, तो एडी इक्वल टू आपके पास 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा बेटा 10 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्लियर है, जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लास में आपका एक क्वेश्चन जो बच गया वो भी डिस्कस करूंगा, और द मिड पॉइंट थ्योरम, अभी क्वाड्रिलेटर पर दो लेक्चर्स और होंगे, पहले बता देता हूं, क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, तो भाई मिड पॉइंट थ्योरम को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। चलिए तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।